मैं राकेश कुमार चंद्रवंशी चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज़ पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो जैसा कि आप सभी का मत था, जैसे कि आप सभी ने जो कहा था, किसी ने कॉल की थी या फिर जो किसी ने मैं व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर के द्वारा या फिर फेसबुक के में कमेंट के द्वारा बताने की कोशिश की थी और यह जानने की कोशिश की थी कि भुर्जी समाज की क्या जानकारी है, उसके विषय में जो जानकारी के लेकर के आओ। तो इस विषय पर मैंने लगभग एक घंटा जो हमारे श्रीमान माननीय मुरलीधर जी भोजवाल जी जो हैं उनसे मैंने बात की और उन्हें मैंने अपना नाम और पता और एड्रेस मैंने दिया, तब उन्होंने अपनी यह पुस्तक मुझे पहुंचाई जो कि मुझे 4 या 5 दिन में प्राप्त हो गई थी। तो इसके अनुसार जो क्या जानकारी है और बाकी जो मुझे बचपन से ही बताया गया है वो जो क्या है, भुर्जी, सबसे पहली बात तो सवाल आता है कि भुर्जी क्या है। भुर्जी वही है जो कि भार पर कढ़ाई पर काम करते हैं और जो खाने के योग्य वस्तुएँ बनाते हैं, अर्थात के भोजन जिन्हें खाया जा सके ऐसी सामग्री को तैयार करते हैं उसी को भुर्जी कहा जाता है और भार या भट्टी पर काम करते हैं इसी से उन्हें जो भुर्जी कहते हैं। और ये सही और जो है ठीक भी है, क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे कि कोई जो है कोई व्यक्ति होता है वह शराब पीता है, शराबी कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं है या फिर कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन उसको शराबी क्यों कहा जाता है? शराबी उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह शराब पीता है। तो ठीक उसी तरह से हमारा समाज भी है, यह जो है भार पर जो काम करता है इसी वजह से इसको जो भुर्जी कहा जाता है। ऐसी ही मुझे जानकारी बचपन से दी गई है, वापस बचपन से ही मिलती चली आई है। लेकिन अब हम जो देखते हैं कि ये जो हमारे माननीय श्रीमान मुरलीधर भोजवाल जी जो हैं इन्होंने अपनी पुस्तक में जैसा बताया है, अगर हम इसके अनुसार देखते हैं तो इनके अनुसार जो भुर्जी समाज अर्थात जो वैश्या वर्ण में भुर्जी समाज का जो जन्म हुआ वह जो है इन्होंने जन्म स्थली कन्नौज बताई है। लेकिन अगर मैं अपने मत के अनुसार बताऊं या मैं कहूं तो भुर्जी समाज की जन्म स्थली कोई कन्नौज नहीं है, इसकी जन्म स्थली आदिकाल से है, अर्थात जिस समय से सृष्टि रची गई उसी समय से भुर्जी समाज अर्थात के वैश्या वर्ण है। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से, जानकारी क्यों नहीं होती, जानकारी जो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो भी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं हम उनको जो पढ़ते नहीं हैं और बाकी नई नई दंत कथाएँ बनती रहती हैं या फिर जो आती रहती हैं और जो पुरानी जानकारी है वह जो है खूती जो है चली जाती है या फिर ऐसा होता है या हम जो है आगे आने वाली पीढ़ी को अवगत कराते ही नहीं है कि हमारा इतिहास क्या है, या हम बताना उचित ही जो है नहीं समझते। क्यों? क्योंकि आज के समय में इतना जो समय ही नहीं है जो कि कोई इतिहास के बारे में बताए, या अगर कोई इतिहास के बारे में बताता है तो आदमी जो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो उसी के अनुसार अगर इसमें हम देखें भोजवाल दर्पण में, तो इन्होंने यहाँ पर यह बताने की कोशिश की कि जो भुर्जी समाज की जन्मस्थली है वह कन्नौज है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि भुर्जी समाज की जन्मस्थली कन्नौज नहीं है। इस विषय पर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा भुर्जी समाज अर्थात जो वैश्या वर्ण है वह कितना प्राचीन है। और मैं ऐसे नहीं, मैं आपको वैदिक ग्रंथों के प्रमाण के अनुसार आपको बताऊंगा, जो कि अगर आगे भी आपसे कोई अगर प्रश्न अगर करेगा तो आप उसे सटीक और प्रमाणिक जवाब दे सकते हैं। अगर मैं इस किताब की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो वह हैं जो कि हमें धर्म ग्रंथ या इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें वह हैं जो कि हमें ना ही तो धर्म ग्रंथ में ना ही तो इतिहास ग्रंथों में मिलती हैं, अर्थात कि वह जानकारी कहीं पर मिलती ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि संस्कृत भाषा में भुज एक धातु है, भुज से भोज बना और भोज का तात्पर्य भोजन से होता है। संस्कृत भाषा में भूजने की क्रिया को भुर्ज कहते हैं, भुर्ज एक क्रिया है अर्थात भूज कर भोजन बनाने वाली क्रिया को धातु से जोड़कर भुर्जी शब्द संज्ञा के रूप में रचना की गई है, अर्थात धातु प्लस क्रिया बराबर संज्ञा,
भुर्जी नाम की रचना की गई है। चूंकि वैश्यावरण में इसका जन्म हुआ है, इसीलिए भुर्जी वैश्य कहना हर प्रकार से उचित और सत्य है। यह बात तो सही है, लेकिन इसमें जो शब्द जो दिए हैं, अगर हम उस अर्थ की बात करें तो यह अर्थ हमें कहीं से लेके कहीं तक नहीं मिलता है। अर्थात हम जो यूं कहें कि यह सिर्फ एक दंत कथा है, इन्होंने या तो ऐसा हो सकता है कि समय के अभाव में शब्दों के अर्थ को जांचा नहीं, या फिर शब्दों के अर्थ को देखा ही नहीं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है या फिर होगा, और ना ही इन्होंने यह सोचने की कोशिश करी कि आगे भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आ रही है वह यह सब जानेगी और उसके समक्ष अगर कोई प्रश्न कर देगा तो उसका उत्तर जो क्या देना पड़ेगा या क्या होगा, इसका परिणाम आगे जो क्या होगा, इस विषय में इन्होंने जो नहीं जाना। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे आपको सूचित करता रहूँगा और बताता रहूँगा भुर्जी समाज के विषय में कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। इसके इतिहास की जानकारी अब मैं धीरे धीरे करके आपके समक्ष रखता रहूँगा। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको इन शब्दों के अर्थ के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी पहुँच सके। पहला शब्द इन्होंने लिया है भुज। तो भुज का अर्थ जो होता है खाने वाला, मजे लेने वाला, भोगने वाला, राज्य करने वाला। अर्थात इसका भी भोजन से या भूजने की क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है। यह विशेषण के अनुसार यही अर्थ होता है। बबले दूसरी बार एक शब्द और है जिसको हम जो भुज कहते हैं, यह स्त्रीलिंग के अनुसार है। इसके अनुसार भुज को भुजा कहते हैं, हाथ कहते हैं, हाथी का सूंड, झुकाव या मोड़ भी कहा जा सकता है। तीसरा जो शब्द लिया इन्होंने भोज। इन्होंने भोज का अर्थ जो भोजन से लिया है, लेकिन नहीं, इसका भोज का अर्थ जो भोजन से नहीं है, इसका अर्थ होता है मलवा या धारा का एक प्रसिद्ध राजा। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज 10वीं शताब्दी के अंत में या 11वीं शताब्दी के आरंभ में हुए थे। वे संस्कृत ज्ञान के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। सरस्वती, कंठाभरण आदि कई ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। और एक राजा का नाम या एक देश का नाम, विदर्भा के राजा का नाम इत्यादि इत्यादि, ऐसा भोज शब्द का अर्थ होता है। और चौथा जो शब्द इन्होंने लिया था जिसका नाम है भुर्ज, जिसको कि इन्होंने क्रिया बताया है कि भुर्ज एक क्रिया है, लेकिन भुर्ज का जो अर्थ होता है वह होता है भोजपात्र का पेड़, भोजपात्र का वृक्ष, भोज वृक्ष की छाल इत्यादि इत्यादि। अर्थात इन शब्दों का खाने से या भुर्जी समाज से या वो भूजने की क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है। अगर यह वीडियो श्रीमान मुरलीधर जी भोजवाल और बाकी जो लोग अपने नाम के आगे भोजवाल लगा रहे हैं, अगर इन शब्दों का अर्थ सही और सटीक उनके पास हो तो वह मुझे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं या फिर जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उस पर जो पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन हाँ, उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक बार इन शब्दों का अर्थ दोबारा से देख लिया जाए, जांच लिया जाए, और आगे भविष्य में यदि कोई भी हमारे भुर्जी समाज के लिए कोई भी पुस्तक या कोई भी ग्रंथ आदि अगर लिखता है तो उससे भी निवेदन करूँगा कि वह जिन शब्दों का प्रयोग करे वह उचित शब्द हों और उनका अर्थ सही और सटीक तरीके से बताया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी किसी भी तरीके के बहकावे में ना आकर सही और सटीक प्रमाणिक जवाब देने में सक्षम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक पुस्तक लिख दी और उसमें बता दिया कि इसका अर्थ यह है, और जब हमने उन चीज़ों को खोजा और देखा तो पता चला कि उन शब्दों का कहीं पे अता पता ही नहीं है, या फिर अगर उन सब चीज़ों का पता है तो उनका अर्थ ही नहीं है जो अर्थ इसमें दिया गया है। तो आज और अभी के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। आज और अभी के लिए इतना ही,
अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि भुर्जी शब्द किस ग्रंथ से प्रमाणित है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार इनसे मैंने प्रश्न मैंने किया है, जितने भी ये भोजवाल लगाने वाले हैं इनसे मैंने कई बार मैंने प्रश्न किया है कि आप मुझे यह बताइए कि भोजवाल शब्द मैं लगाऊं तो क्यों लगाऊं, किस ग्रंथ से प्रमाणित है भोजवाल शब्द। तो अभी तक इनका कोई जवाब खैर जो नहीं आ पाया है। खैर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि भुर्जी शब्द जो कहाँ से प्रमाणित है। खैर आज मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि भुर्जी क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है, और जो इसका सटीक और प्रमाणिक जो शब्द है भुर्जी समा भुर्जियों का वह क्या है, वो भी मैं जो है वैदिक धर्म के अनुसार व वैदिक ग्रंथों के अनुसार और इतिहास ग्रंथ के अनुसार ही आपको जो बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोस पर सेट करें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।